उसमें बताने हैं एंड देन आफ्टरवर्ड्स ग्राम में बताने हैं राइट तो हम फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं दैट इज आपने ये बताना है कि फिफ्टी टू मोल्स ऑफ आर्गन जो है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है ठीक है तो इसमें हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे वन मोल वर्सेस एवोगेड्रो नंबर का ठीक है कि एक मोल में हमारे पास एवोगेड्रो नंबर ऑफ एटम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। यूनिटरी मेथड लगेगा एंड उसी के बेसिस पे हम आंसर निकालेंगे। अब एक मोल में एवोगाड्रो नंबर है, तो आप लिख सकते हो। वन मोल ऑफ़ आर्गन कंटेन्स एटम्स इक्वल टू इक्वल टू कितना आ रहा है? एवोगाड्रो नंबर आ रहा है 6.022 इनटू टेन टू पार ट्वेंटी थ्री एटम्स, राइट कितने में निकालने हैं फिफ्टी टू मोल्स में निकालने हैं तो फिफ्टी टू मोल्स ऑफ आर्गन कंटेन्स एटम्स इक्वल टू राइट साइड वाली वैल्यू जो है वो हम न्यूमरेटर में लेते हैं सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू पार ट्वेंटी थ्री एटम्स आगे राइट फर्स्ट वैल्यू ऑन द लेफ्ट साइड डिनोमिनेटर में आती है सो डिवाइडेड बाय वन मोल आ गया ठीक है इन टू सेकेंड वैल्यू हम साथ में मल्टीप्लाई करते हैं फिफ्टी टू मोल्स आ गया ये मोल जो है इसके साथ कैंसिल कर दिए तो जब आपने को 52 के साथ मल्टीप्लाई किया योर आंसर इज थर्टीन हंड्रेड थर्टीन पॉइंट वन फोर फोर टू टेन रेज टू पार ट्वेंटी थ्री एटम्स अब इसे हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो साइंटिफिक नोटेशन का एक सिंपल सा रूल है कि हमारे पास डेसिमल के लेफ्ट साइड पे केवल एक डिजिट होना चाहिए तो मैं ये डेसिमल जो है वो डिस्प्लेस करूंगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट वन टू अपू टू टू डिजिट डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो श्योरली मेरे पास पावर जो है वो पॉजिटिव आएगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो राइट टू लेफ्ट भी आ रही है सो थ्री पॉइंट वन थ्री वन फोर फोर ठीक है इन टू टेन रेज टू पार टू आ गया क्योंकि दो डिजिट की डिस्प्लेसमेंट हो रही है इन टू टेन रेज टू पार ट्वेंटी थ्री एटम्स आ गए राइट right? इसे हम राउंड ऑफ कर लेंगे सो so, मैं अप टू डेसिमल के दो डिजिट तक राउंड ऑफ करती हूँ यहाँ पे वन है ठीक है ये लेस देन फाइव है तो ये एज इट इज आ जाएगा थ्री पॉइंट वन थ्री ठीक है और पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है और इनके बेसिस भी सेम है तो ये सिंपली ऐड हो जाएंगी सो टू प्लस ट्वेंटी थ्री एटम्स आगे सो टू प्लस ट्वेंटी थ्री योर आंसर विल बी टेन रेज टू पर ट्वेंटी 5 एटम्स मतलब कि 52 मोल्स ऑफ आर्गन जो हैं उनमें 3.13 10 रेस टू पावर 25 एटम्स प्रेजेंट हैं अब सेकेंड क्वेश्चन है 52 यूनिट्स ऑफ हीलियम जो हैं ठीक है उसमें कितने एटम प्रेजेंट हैं अब ये आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है यहाँ पे एक एटम ऑफ हीलियम जो है ठीक है उसका मास गिवन है वन एटम ऑफ हीलियम ये किसके इक्वल आता है ये 4 ए एम यू के इक्वल आता है मतलब एक एटम का मास कितना होता है फोर ए एम यू होता है कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है एक्चुअल क्वेश्चन हमारा ये है तो ऑब्वियसली अगेन हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे सो सेकेंड क्वेश्चन अपने फिफ्टी टू यूनिट ऑफ हीलियम ठीक है इसे हम ए भी लिख लेते हैं और अकेला यू भी लिख लेते हैं इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं ये बताने हैं अब मुझे पता है कि मेरे पास एक हीलियम एटम जो है उसका मास कितना होता है फोर यू होता है मतलब कि फोर यू ऑफ हीलियम कितने एटम के बराबर होगा वन एटम के ठीक है और फिफ्टी टू यूनिट मास जो है वो कितने हीलियम एटम का होगा डेफिनेटली यूनिटरी मेथड लग रहा है सो वन एटम डिवाइडेड बाई दिस फर्स्ट वैल्यू फोर यूनिट इन टू सेकेंड वैल्यू फिफ्टी टू यूनिट यूनिट के साथ यूनिट कैंसिल हो गया सो फोर वन द फोर फोर थर्टीन द फिफ्टी टू इसका मतलब क्या है कि हमारे पास थर्टीन एटम्स जो हैं उनका मास फिफ्टी टू यूनिट आता है राइट और ऑब्वियसली अब हम देखेंगे थर्ड दैट इज फिफ्टी टू ग्राम ऑफ हीलियम अब ना ये आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो ना इसमें जब भी हमारे पास यूनिट की बात की जाती है तो हम विद रिस्पेक्ट टू एटम्स बात करते हैं ठीक है जब भी ग्राम्स की बात होती है तो डेफिनेटली हम विद रिस्पेक्ट टू मोल्स बात करते हैं ठीक है कि जो नंबर ऑफ मोल्स है जब भी हम उनकी मास की बात करते हैं तो वो हम ग्राम्स में करते हैं तो अगर हम इंडिविजुअल एक एक एटम की बात करेंगे तो वो हम यूनिट में करेंगे इसमें अब हम जो है मोलर मास वर्सेस नंबर ऑफ एटम्स वाला कॉन्सेप्ट जो है वो यूज करेंगे अब मुझे पता है कि एक मोल जो है हीलियम का वो अटोमिक मास के इक्वल आता है राइट और एक मोल में हमारे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं राइट अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को आपने इंटरलिंक करके चलना है जो हमारे पास एवोगेड्रो नंबर ऑफ एटम्स है उनका मास किसके इक्वल आता है अटोमिक मास ऑफ हीलियम के इक्वल आता है, राइट सो यू कैन राइट फोर ग्राम हमारे पास जो एक मोल ऑफ हीलियम एटम्स है ठीक है उनका मास फोर ग्राम आएगा सो फोर ग्राम ऑफ हीलियम कंटेन एटम्स इक्वल टू ऑब्वियसली एवोगेड्रो नंबर ऑफ एटम्स रोन रेस टू पर ट्वेंटी थ्री एटम्स आएगा अब फिफ्टी टू ग्राम ऑफ हीलियम जो है उसमें कितने एटम प्रेजेंट हैं अब आपने ये बताना है तो यूनिटरी मैथड ही लग रहा है फिफ्टी टू ग्राम ऑफ हीलियम कंटेन एटम्स इक्वल टू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेस टू पर ट्वेंटी थ्री एटम्स Divided बाय फोर ग्राम into फिफ्टी टू ग्राम आ गया ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल आ गया फोर वन दोर फोर थर्टीन द फिफ्टी टू सो थर्टीन इंटू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू योर आंसर विल बी सेवेंटी एट पॉइंट टू एट सिक्स इंटू टेन रेज टू पार ट्वेंटी थ्री एटम्स आ गए ठीक है कि हमारे पास जो 52 ग्राम ऑफ हीलियम है उसमें 78.286 एट पॉइंट टू एट सिक्स टू पार ट्वेंटी एटम्स प्रेजेंट है अब इन्हें भी हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे एक डिजिट डिस्प्लेसमेंट होगी राइट सो अगर एक डिजिट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हो रही है तो पावर पॉजिटिव आएगी सो सेवन पॉइंट एट टू एट सिक्स इंटू एक डिजिट डिस्प्लेसमेंट है सो टेन रेज टू पार वन आ आ गया रेज टू एटम्स गए दोनों पावर्स जो हैं उनके बेस सेम है और दोनों पावर्स मल्टीप्लिकेशन में है तो हम पावर सिंपली ऐड कर देंगे फाइनल आंसर इज सेवन पॉइंट एट टू एट सिक्स इंटू टेन रेज टू पार वन प्लस ट्वेंटी थ्री एटम्स ठीक है अब हमने दो चीजें करनी है पहला इसको राउंड ऑफ करना है मैं जो डेसिमल के राइट right साइड वाली वैल्यू है उसे अप टू टू डिजिट राउंड ऑफ करना चाहती हूँ तो अप टू टू होगा राइट तो ये जो एट है ये मोर देन फाइव है तो मैं क्या करूंगी टू को एक बढ़ा के लिख दूंगी सो सेवन पॉइंट एट थ्री ठीक है अब ये वन प्लस ट्वेंटी थ्री दैट विल बी टेन रेज टू पार ट्वेंटी फोर एटम्स दैट मीन्स कि हमारे पास जो फिफ्टी टू ग्राम ऑफ हीलियम है उसमें सेवन पॉइंट एट थ्री इंटू टेन रेज टू पार ट्वेंटी फोर एटम्स आ रही हैं